पहनने के बाद आपको ये मास्क कुछ इस तरह से लगेगा। ये इसकी कार्ट्रेज है और ये इसका मास्क है। मेरे पास एक फोन आया एक पेंटर भाई का। उनको प्रॉब्लम ये थी कि जब वो पेंट करते थे तो उनकी तबीयत खराब हो जाती थी, मतलब कि पीयू पेंट। देखिए, जब आपको पीयू पेंट करने में दिक्कत हो, यानी कि आपको प्रॉब्लम हो, आपके वॉमिटिंग होने लगे या कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती है पीयू पेंट करने के बाद, तो आप पीयू पेंट या तो ना करें, या फिर दूसरा तरीका ये है, आज मैं जो आपको वीडियो ये दिखा रहा हूँ इसमें मैं आपको एक मास्क दिखाऊंगा जो 3M का मास्क है। इसको पहनने के बाद मुझे उम्मीद है कि काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिल जाएगा और आपकी तबीयत खराब या जो भी प्रॉब्लम आपको होती है वो नहीं होगी। तो ये मास्क है, देखिए 3M का, मैंने ये अमेजोन से मंगवाया है। ये इस तरह का मास्क है, ये इसकी पैकिंग है ये, और ये 3M का है। इसका जो फिटिंग होती है वो कार्ट्रेज के साथ होती है, मतलब मास्क अलग आता है, कार्ट्रेज अलग आता है। ये जो पैकिंग है, ये जो मैं खोल रहा हूँ, ये मास्क है, मतलब कि डमी है, या आप कह लीजिए मास्क ही कह लीजिए आप इसको। ये मास्क है, ये देखिए इसके अंदर ये कुछ पेपर्स, जो भी मास्क के बारे में जानकारी होती है वो है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं मास्क के बारे में। ये कई सारे पेपर्स हैं इसके अंदर, ये हैं। तो अगर मुझे उम्मीद है कि आप ये पहनेंगे तो शायद आपको कुछ ना कुछ तो रिलीफ मिलेगा, और जितनी प्रॉब्लम होती है उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। पीयू पेंट अपने आप में बहुत ही, एक तो हार्ड पेंट है, दूसरा वो आपके शरीर को, जब शरीर के अंदर जाता है, इतना हार्ड केमिकल है कि आपके शरीर को वो नुकसान करता है। तो आपको उससे बचना है, अगर आप उससे नहीं बच पा रहे तो आपको नहीं करना चाहिए। कोशिश करें कि आप बूथ में करें, हम भी नहीं कर पाते बूथ में वैसे तो, हर जगह हर बार तो साइट पे तो हमें बूथ में नहीं करना होता। तो ये मास्क देखिए, ये इस तरह का मास्क होता है, इस पे 3M का स्टैंप लगा है फ्रंट पे, और ये इसका कार्ट्रेज है जो मैंने हाथ में उठाया, ये कार्ट्रेज है इसका। इसमें हर बार आपको, हर बार तो नहीं, मतलब कि जब जैसे ही आपका कार्ट्रेज खराब हो जाएगा, फिल हो जाएगा, आपको ये चेंज करना पड़ेगा कार्ट्रेज बार बार। ये भी 3M का कार्ट्रेज है और 3M का ही हमारा ये मास्क है जो मैंने ऑनलाइन मंगवाया है, जैसे मैंने आपको बताया है। ये मुझे पड़ा है 1890 रुपये का, और अगर आप ऑनलाइन खरीदते हैं तो शायद इतने का ही आपको मिले, और अगर आप अलग अलग खरीदते हैं तो 1150-1150 रुपये का आपको मास्क मिलेगा ये जो रखा है, और जो कार्ट्रेज है 700-800 रुपये की, मतलब ये आपको कार्ट्रेज मिलेगी। तो टोटल फिर भी वही है कि 1900 रुपये के आसपास आपको ये मिलेगा। ये इसकी कार्ट्रेज है, इस तरह से देखिए, इसमें यहाँ होल है और यहाँ इसके अंदर वो लगा है, क्लिप है जो उसमें मास्क में फंस जाता है, वो अभी दिखाऊंगा मैं आपको कि किस तरह से आपको इसके अंदर लगाना होता है। इसके अंदर भी ये एक रिसिप्ट, ये इंस्ट्रक्शन है, शायद इंस्ट्रक्शन निकला है, ये भी आप लगा सकते हैं, मतलब ये आप पढ़ सकते हैं, तो ये इंस्ट्रक्शन भी आप पढ़ सकते हैं। ये कार्ट्रेज है, मैं इसके अंदर आपको लगा के दिखाता हूँ कि ये कार्ट्रेज कैसे लगेगी। इसके अंदर ये स्ट्रिप है जो हमारे सर के पीछे चली जाएगी, और मैं आपको दिखाऊंगा अभी ये इसमें फिटिंग के बाद आपको दिखाऊंगा कि आपको किस तरह से आपको ये लगाना है। वीडियो में थोड़ा सा दिक्कत ये हो गई कि ये थोड़ा कैमरा ऊपर नीचे चला गया था, लेकिन फिर भी नज़र तो आ ही रहा है, थोड़ा सा आप एडजस्ट करें प्लीज़। तो इसकी साइड्स हैं, अब अगर ये रबर में देखेंगे आप, तो जिसको मैं ठीक कर रहा हूँ, ये रबर एक्चुअली इसकी पिंक वाली, ये थोड़ी सी बाहर की तरफ थी, तो मुझे इसको ठीक करना पड़ा, इसको नीचे की तरफ लगाई मैंने, इसको लगाने के बाद जैसे मैंने ये थी वैसे ही उसको भी मैंने कर लिया। और ये कार्ट्रेज आप देखिए, इसके अंदर अगर आप देखेंगे कार्ट्रेज में, तो इसमें 3 हॉल हैं ये इस तरह से कार्ट्रेज में, और 3 स्टिक इसमें स्टॉक लॉक हैं इसके अंदर मास्क के अंदर। तो 2 बड़े लॉक हैं ये और 1 छोटा लॉक है, तो जो छोटा ब्लॉक है मास्क के अंदर, उस छोटे ब्लॉक को कार्ट्रेज के छोटे होल से मैच करना है, मिलाना है, और मिला के उसको इस तरह से ऐसे फिट करना है। जब ये फिट हो जाएगा, अभी नहीं हुआ, तो जब ये फिट हो जाएगा तो आपको इसको रोटेट कर देना है, जैसे मैं अभी ये लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें एक्चुअली ये बड़े ध्यान से लगाना होता है, अगर इसमें हम लापरवाही करेंगे तो क्या होगा कि ये जो कार्ट्रेज, ये जो हमारा कार्ट्रेज का ब्लॉक है या हमारा जो मास्क में ब्लॉक है, वो टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो फिर ये मास्क किसी काम का नहीं रहेगा, और ये रिपेयरेबल भी मेरे ख्याल से तो शायद नहीं होगा।
तो हमें इसको इस तरह से लगा के ऐसे रोटेट कर देना है, जब कट की आवाज़ आ जाए तो समझ लीजिए ये लग गया। अभी कार्ट्रिज आप देख रहे हैं तो ये इसमें लग गया है, इस तरह से लगाई है मैंने, जो भी यूज़ किए हैं तो वो बना बनाया मास्क यूज़ किया है। मैं देखना चाहता हूँ कि इससे कितना बेनिफिट हमें होता है या हो सकता है। तो अब वैसे ही जैसे हमने वो लगाया था वैसे ही ये लगाना है, बस इसको आपको समझना ये है कि थोड़ा सा कि किस तरह से इसकी फिटिंग होगी, क्योंकि गलत फिटिंग करने का मतलब है कि आपको इसमें दिक्कत हो सकती है। तो आपको इसको इसके जो होल्स हैं या ब्लॉक हैं उनको मिला लेना है, इस तरह से आप रख लीजिए। जब ये नहीं लगता तो थोड़ा सा आपको ध्यान से इसको लगाना है, क्योंकि रिस्क ये रहता है कि अगर एक थोड़ी सी भी गलती हो गई, छोटी सी भी गलती हुई, तो ये डेफिनेटली टूट जाएगा और ये मास्क बेकार हो जाएगा और आपके जो 1900 रुपए हैं वो वेस्ट हो जाएंगे। इसलिए आपको ध्यान से लगाना है, बस आपको थोड़ा सा एक दो बार आप लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका जो छोटा ब्लॉक है वो छोटे ब्लॉक से मैच करना है, मिलाना है, मिला के आपको उसको इस तरह से रोटेट कर देना है और ये हो गया। इस तरह से ये हमारे मास्क की फिटिंग हो गई, ये हमने कार्ट्रिज इसमें लगा ली और जैसे लगाई है वैसे ये निकलेगी। इसकी बड़ी अच्छी तो मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ही बढ़िया है मास्क, लेकिन ये है कि अभी यूज़ करके, लेकिन ये है कि ठीक ठाक क्वालिटी है। बाकी तो जब आप यूज़ करेंगे आपको तब थोड़ा आइडिया होगा। इसको हम सर के पीछे ले जाते हैं स्ट्रिप को, और इसके जो नीचे वाली स्ट्रिप है उसको हम अपनी गर्दन के पीछे बांध लेते हैं। इसको हम इनको लूज टाइट कर सकते हैं अपने शरीर के हिसाब से, और इसको हम पीछे से बंद कर लगा लेते हैं पीछे अपने गर्दन पर, और ये हमारे सर के पीछे आ जाएगा। तो इस तरह से ये इसमें बीच में 3M का लोगो भी लगा है और ये सारी कार्ट्रिज है। तो मैं ये बता रहा था आपको कि आपको हमेशा मास्क वेयर करना चाहिए, पहनना चाहिए। अगर आप मास्क पहनेंगे तो आपको जो प्रॉब्लम्स आती हैं आपके लंग्स में, या जब आप सांस लेते हैं सांस के साथ जो केमिकल जाता है, ये बहुत ही घातक केमिकल होते हैं, उससे ये काफी हद तक आपको प्रोटेक्ट कर सकते हो। आप इसको यूज करें, यूज करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि आपको आप कितना इसमें इससे आपको बेनिफिट हो रहा है। तो बेनिफिट जरूर होगा ये तो मैं उम्मीद करता हूँ, लेकिन कितना होगा किस हद तक होगा ये तो मैं नहीं कह सकता। ये आपको यूज करना चाहिए, यूज करके एक बार देखिए कितना आपको बेनिफिट होगा। हाँ डेफिनेटली होगा, जो आम मास्क हम पहनते हैं उसमें तो सांस के साथ डस्ट भी जाता है, पेंट भी जाता है, सब चला जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये मास्क पहनकर देखेंगे। पहनने के बाद आपको ये मास्क कुछ इस तरह से लगेगा। ये इसकी कार्ट्रिज है और ये इसका मास्क है मेन, पीछे से इसको स्टक हो जाता है, साइड से यहाँ ऊपर से आ जाता है, कुछ इस तरह से आपको देखने में लगेगा। ये थोड़ा देखने में अजीब लगता है, हैवी है बहुत ज़्यादा, लेकिन लाइट वेट है। और अगर आपको स्प्रे से बचना है, यानी कि अपने फेफड़ों को खुद को बचाना है स्प्रे से, तो आपको ये पहनना चाहिए, ज़रूर पहनना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया उस पेंटर को प्रॉब्लम थी, तो उसने उसको इस तरह का मास्क पहनना चाहिए।